अब देखिए यहाँ पर पूछा गया क्रोएशिया की मुद्रा क्या। देखिए क्रोएशिया की मुद्रा तो पहले आपकी कुना थी, ठीक है ना, बट ये अब आपकी चेंज हो गई, हालांकि अपडेट नहीं है। क्रोएशिया की जो मुद्रा है अभी 1 जनवरी 2023 से यूरो अपना लिया। कौन से अपना लिया? यूरो। तो ठीक है ना, तो आप सबने यूरो देना चाहिए था। अगर यूरो नहीं दिया तो फिर कुना वाला ही मार दीजिए, कुना पहले थी। और 1 जनवरी 2023 से यूरो अपना लिया, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है, तो यूरो होना चाहिए। और यूरो नहीं दिया है तो फिर आपको कुना वाला मार देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में यूरो है। अगला प्रश्न बताइए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 62 नंबर बताइए। चलिए 62 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया, हर साल 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय सब्जी संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी में है। 63 नंबर का आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका वाराणसी। अगला प्रश्न बताइए, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है ना, कौन सा कथन आपका सही है बताना है। लिखा हुआ ये कभी भंग नहीं हो सकता। देखिए उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा, और राज्यसभा आपको पता है कभी भंग नहीं हो सकता है। यूपी में अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 है। लोकसभा कितनी? 80 है। लोकसभा आपका कैसा होता है? निम्न सदन होता है, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र जरूरत है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? 65 नंबर आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट करिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पलनी पर्वत। भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ है ना, किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए भूटान। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो सिक्किम के साथ है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगर मुद्रा की बात करते हैं, भूटान की मुद्रा कौन सी है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो आपके न्यू गल्ट्रम है, याद रखिएगा, न्यू आपका क्या है, न्यू गल्ट्रम है, ठीक है ना, न्यू गल्ट्रम, गल्ट्रम, न्यू गल्ट्रम है, ठीक है ना, न्यू गल्ट्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर बताइए मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 67 नंबर बताइए। मड़ई महोत्सव जो आपका मनाया जाता है ये आपका होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है त्यौहार आपका है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 68 नंबर देखिए आपको कमेंट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपका है बेसबॉल है ना, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक टीम में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी आपके होते हैं बेसबॉल। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? 69 नंबर, तो ये आपका द हेग में है। आंसर आपका होगा द हेग कहाँ? नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, द हेग में आपका है, याद रखिएगा, नीदरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? 70 नंबर आपको बताना है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की अगर हम लेखक की बात करते हैं तो किरण बेदी है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, कौन से नंबर का था आपको बताना है, मतलब किस वर्ष किया गया था आपका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन? 61 नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये आपका हुआ था ब्राजील में, हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही पड़ता है। पहला प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द ग्रेट इंडियन नॉवेल नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? 62 नंबर बताइए। तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्ल पुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है? श्री विल्ल पुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है किस राज्य में स्थित है? 63 नंबर का बताया जा रहा है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। नीचे दिए गए लोक नृत्य आपके और राज्य की सूची में मिलान सही नहीं है, आपको बताना यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 65 नंबर। लिखा बिहू, पहली बात तो बिहू जो है यही गलत, मतलब क्या कहते हैं, मिल गया है ना। चलो बताइए 65 नंबर का जवाब क्या होगा, बिहू तो असम का है ना, यही वाला मिला नहीं है। कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तेंगे है, या जिसे हम तेनगे कहते हैं, तेंगे कहिए या तेनगे कहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं भारत में? तो
543 है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? 68 नंबर बताइए, तो 68 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 69 नंबर बताइए, तो 69 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा तन्वी शाह। ठीक है, जिनका भी जवाब तन्वी शाह आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, उन्हें ग्रैमी पुरस्कार इस्लम डाग मिलियनेयर फिल्म में जय हो गाने में मिला था, आपको याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका तन्वी शाह। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य है, और उस भारतीय राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली से आपका साझा करता है। 8 राज्य हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। 70 नंबर का डी नंबर आपका सही नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चलिए 61 नंबर का देखिए कमेंट करिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो लोक कला है उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? प्रश्न हमने बहुत बार बताया है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है 62 नंबर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 माह, है ना? 62 का आंसर क्या होगा? 6 माह, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हाफलोंग हिल स्टेशन जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? 63 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और ये जो एकमात्र आपका हिल स्टेशन है असम राज्य का है, ये भारत के असम राज्य का है, और यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ हिल स्टेशन आपका कहाँ पे? असम, असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम, विकल्प नंबर डी। बर्मा की मुद्रा क्या है आपको बताना है, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा जो देश है आपका, इसकी मुद्रा क्या है? याद रखिएगा, इसकी मुद्रा आपकी है क्यात। कौन सी मुद्रा है? क्यात है, विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ये। हाँ, ये पहले चंदेल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, और ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश यानी छतरपुर, छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर आप देखेंगे जैन धर्म के, जैन और यहाँ पर हिंदू के स्मारक जो है आपके, वहां पर एक समूह है, वहां पर आप देख सकते हैं। और ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण जो है किस वंश ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना, चंदेल शासकों ने करवाया था, और इसे विश्व धरोहर स्थल में भी आपका शामिल किया गया है आपका खजुराहो, जो आपका पड़ता है एमपी में, छतरपुर जिले में, और ये 1986 में आपके शामिल किया गया था आपका खजुराहो को आपका विश्व धरोहर स्थल में 1986 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक के प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? 66 नंबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपके एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति आपके थे? ये 11वें नंबर के थे। इनका जो टाइम पीरियड की बात करते हैं 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे, 11वें नंबर के आपके क्रम में था राष्ट्रपति। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिए 11वें नंबर के राष्ट्रपति आपके थे, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है, मिसाइल मैन भी इन्हीं को हम कहते हैं, मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न बताइए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम शॉर्टकट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूएनईपी, यूएनईपी, और यूएनईपी का मतलब होता क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। 68 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपका मनाया जाता है हर साल आपका, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ।
वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला प्रश्न बताइए, 69 नंबर आपके सामने है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं, उगते सूरज की भूमि के रूप में जानते हैं, उस देश का नाम है जापान, विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जब हम बात करेंगे तो ये आपका है भारत रत्न है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण नहीं लिखा, यहां हम लिख दे रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण, भूषण आपका है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सा है? पद्म श्री का क्रम याद रखेंगे, पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर में पद्म भूषण है और चौथे नंबर में पद्म श्री। आंसर यहाँ पर लगा दीजिए भारत रत्न वाला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 70 नंबर का बी है ना। यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में था भारत का 161वां स्थान, ठीक ना, 161 आप लोग बताए थे है ना, वो 161वां आपका है इसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में। आप लोग पढ़ लेते हैं बस, क्वेश्चन जहां आया ऑप्शन दिखा 161 वाला है वही मार देते हैं, इसलिए बहुत एग्जाम में ध्यान से देना है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा कौन कौन किसका स्थान है। चलिए आप बताइए कौन सी बेलारूस की राजधानी है? 61 नंबर बताइए, बेलारूस की राजधानी आपकी कौन सी है? मिन्स्क है। 62 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 नवंबर को कब मनाया जाता है बताइए, दो दिसंबर, 62 नंबर, 62 का बी। कह रहे हैं सर डीआई क्लास अलग से ले लेना प्लीज सर जी, चलिए भैया करा देंगे, डीआई के अलग से करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, इसका डीआई हम अलग से करवा देंगे, ठीक है, चलिए डीआई इसका हम अलग से करवा देंगे। अगला प्रश्न बताइए, जो लोग देखिए बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बार बार चिल्लाना पड़ता है, एक बार आप लाइक कर दीजिए, आपके लिए अगर मेहनत की जा रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है आपको बताना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? 63 नंबर, और 63 नंबर का जवाब आ चुका है बैडमिंटन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इसकी देखिए स्थापना आपकी 1919 में होती है, बार यही पूछ लिया गया था है ना, आईएलओ, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? 64 नंबर बताइए, आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? 65 नंबर बताइए, और ये आपका कहां पर मनाया जाता है बताइए, त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? 65 नंबर का आंसर काफी लोगों का अलग अलग क्यों आ रहा है, हाँ प्रयागराज में मनाया जाता है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, मलेशिया की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? मलेशिया की मुद्रा, 66 नंबर, मलेशिया की मुद्रा क्या है? और ये आपकी है रिंगित है, मलेशियाई रिंगित, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, 67 नंबर, 67 नंबर आपसे पूछा गया है, गिलम्पेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? हाँ ना, यहाँ पर आपके लेखक का नाम पूछा गया है, जिनके लेखक हैं आपके ये जो आपकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, बिल्कुल सही है, और 1934 में है ना, 1934 में पुस्तक लिखी गई थी, आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है भारत उत्तर पश्चिम में रिक्त स्थान है के साथ अपनी भूमि साझा करता है ना, किसके साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की साझा करता है? 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। अगला बताइए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इरविकुलम या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य के आपके कौन से जिले में पड़ता है? ये इडुक्की जिले में पड़ता है, तो केरल दिया, केरल लगा दीजिए। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहां पर देखिए कमेंट करना है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और यहां पर बता रहे सेपक टकराव है ना, यहाँ पर आपका कौन सा होगा? हाँ टकराव, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक
पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, उनका नाम आपको बताना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है। स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर बताइए क्या होगा। यहां पर पूछा गया UNFCCC का अर्थ है, क्या है, 62 नंबर बताइए। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आंसर जाएगा बी के साथ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है। 63 नंबर बताइए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगरी देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट है। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, संगाई महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, ये भारत के मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है संगाई महोत्सव, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका हर साल मनाया जाता है, आपका 1 मई को मनाया जाता है, आंसर जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, आपके पहले स्पीकर अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये आपके थे जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, आंसर जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन सा देश करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, आंसर जाएगा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। दो हजार चौदह में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, यह आपका था तेलंगाना, तेलंगाना बिल्कुल सही है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आपका है नेपाल का। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है, और यहां पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही है 25 वर्ष बता रहे हैं, है ना, राज्यसभा सदस्य बनना है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष, ग्राम पंचायत सदस्य बनना है 21 वर्ष, वोट डालना है तो 18 वर्ष, ये सब उम्र है। तो चलिए इस तरीके से आपका एक बताइए 61 नंबर, यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था, 61 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है आंसर क्या होगा, और 61 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी नंबर सैम मानेकशॉ, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। सैम मानेकशॉ स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, है ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी बता रहे हैं यूएसए, ऑप्शन नंबर बी, है ना, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तेरह ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है, 63 नंबर बता रहे हैं, ये तेरह ताली का जो नाम का जो लोक नृत्य है ये राजस्थान बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही है, जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है, है ना, हाँ ये कांवड़ जाति द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति है, कांवड़, याद रखिए कांवड़ जाति द्वारा आपका किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए 64 नंबर, चलिए 64 नंबर का देखिए कमेंट करना है, लेंसडाउन पर्वती नगर स्थित है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही बताइए 65 नंबर, 65 नंबर आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है,
चलिए 65 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा, और आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो 26 नवंबर है, कन्फ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, और यहाँ पर आंसर हमारे भी जा चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर बताया जा रहा है केरल राज्य बता रहे हैं, केरल राज्य बिल्कुल सही है, केरल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 68 नंबर, कंबोडिया की राजधानी क्या है। हाँ ना, वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर बताइए कंबोडिया की राजधानी क्या है, 68 नंबर, और 68 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, 68 नंबर का कह रहे हैं सी नंबर होगा, नाम पेन है, हाँ ना, राम नाम पेन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 70 नंबर बताइए, 69 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका केरल में बता रहे हैं, त्रिवेंद्रम केरल, आंसर आपका बी नंबर होगा, तिरुवंतपुरम में है ना, तिरुवंतपुरम केरल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 70 नंबर, कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करता है आपको बताना है, और ये तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इसमें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, याद रखिएगा। और आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल आपका जो है धन विधेयक संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर क्या होगा, धन विधेयक संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक संबंधित है, यह आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही धन विधेयक को रोक सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ये 61 नंबर, यहाँ पर देखिए पूछा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी, और ये किया था आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बासठ नंबर का जवाब क्या होगा, 62 नंबर का जवाब हमारे पीछे आ चुका है, चलिए 62 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, बी नंबर तमिलनाडु बिल्कुल सही है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है फ्लोट फेस्टिवल। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है, तो आप कहेंगे ये तो आपकी कितने हैं बताइए, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है, तिरसठ नंबर का है, 2 सदन लोकसभा राज्यसभा। अगला प्रश्न बताइए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, 64 का आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, गंभीरा, गंभीरा मुखौटा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, मुखौटा यानी गंभीरा, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं, आसान प्रश्न है बताइए, किस देश की 3 राजधानियां हैं, मतलब देश की 3 राजधानियां हैं, सोचिए 1-2 नहीं बल्कि 3 राजधानियां, दुनिया का इकलौता देश है आपका, उस देश का नाम क्या आपको बताना है, और 3 देश की राजधानियां हैं, बिल्कुल बात सही है, बताइए कौन कौन सा है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, हाँ एक केप टाउन है, प्रिटोरिया है, और ब्लाम फोन्टिम, केप टाउन जो राजधानी है ना दक्षिण अफ्रीका की विधायी यानी राजधानी कह सकते हैं, एक प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और ब्लाम फोन्टिम ये आपकी न्यायिक राजधानी, 3 राजधानियां हैं, आंसर जाएगा बी के साथ, साउथ अफ्रीका। हो सकता है बहुत सारे लोग ये प्रश्न पहली बार सुने हों या देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया ये प्रश्न आपका। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 67 नंबर बताइए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपका हर साल मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? और झारखंड का शिमला कहते हैं रांची। झारखंड की राजधानी क्या? रांची। तो रांची को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, नेतरहाट जो है ना, ये छोटा नागपुर की रानी है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, 69 नंबर बताइए, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, ये जो मनाया जाता है आपका, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य है, मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा महोत्सव, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर बताइए, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आसान प्रश्न है। बुल फाइटिंग जो आपका है, बैल वाला बुल फाइटिंग, ये आपका स्पेन का है। स्पेन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 61 नंबर बताइए, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? 61 नंबर आपको बताना है, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? 61 नंबर का आपको जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 61 नंबर का यहाँ पर कमेंट किया जा रहा है, कह रहे हैं डी नंबर, पेरियार नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल सही है, पेरियार नदी कहाँ पे? केरल, केरल में पड़ती है ना पेरियार नदी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में विकल्पों में से कौन सा युग्म आपका गलत सुमेलित है? हाँ ना, यहाँ पर गलत सुमेलित आपको बताना है। 62 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा? ये नृत्य है, लाठी नृत्य कहाँ का है? लाठी नृत्य तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का है। लाठी ये नृत्य है, लाठी कहाँ है? पश्चिम बंगाल का है, कर्नाटक का नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है। सिलंबम की बात करते हैं तमिलनाडु का है। कलारीपयट्टू की बात करते हैं केरल का है। गतका पंजाब का है ना। गतका, देखिए गतका पंजाब राज्य की पारंपरिक एक युद्ध कला है। गतका क्या है? ये आपकी पंजाब राज्य की युद्ध कला है। कलारीपयट्टू की बात करते हैं, ये भी युद्ध कला है, लेकिन केरल राज्य से संबंधित है, ये केरल राज्य से संबंधित है आपका, ठीक है ना, केरल। और ये जो आपका है ना सिलबम, सिलबम जो आपका है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या है? ये तमिलनाडु का आपका एक मार्शल आर्ट है, राज्य का मार्शल आर्ट है। ये सब संबंधित, लेकिन लाठी है ना, लाठी नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल संबंधित है। लाठी जो है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है, उनका नाम बताना है। उनका नाम है आपका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? किस देश की सीमा जो है कहीं से नहीं लगती है? आंसर जाएगा नेपाल, विकल्प नंबर डी। आसान प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब क्या होगा? ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? पटाखा किसकी है? मकाऊ। कौन से देश की है? मकाऊ। मकाऊ कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? राज्य विधानमंडल में एक सदन है किस राज्य के, आपको बताना है। 67 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए भारत में आप सभी लोग जानते हैं विधानमंडल सिर्फ 6 जगह है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है, सभी को पता है। और यहां पर आपका क्या होगा? गुजरात। देखिए द्विसदनी विधायिका कहाँ कहाँ है, और यहाँ पर बोला क्या गया था, प्रश्न में बोला गया था आपसे विधानमंडल में एक सदन है ना, कहाँ पर है वो? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की 182 है। कितनी है? 182 सीटें। अगला प्रश्न बताइए, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठित, अपनी मतलब प्रतिष्ठा स्थापित की है, किस क्षेत्र में किया है? आंसर जाएगा आपका गायन के क्षेत्र में। कौन से? गायन। गायन का मतलब शास्त्रीय गायन। आंसर जाएगा सी के साथ। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सब है, CO2 तो है ही है ना, लेकिन सभी हैं यहाँ पे, उपरोक्त सभी लगाएंगे। 69 नंबर का आपका डी नंबर, सब हैं आपके, ठीक है, तीनों हैं आपके। अगला प्रश्न बताइए, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ है,
सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है, यहां पर इनका आपको नाम बताना है, इनके राइटर का नाम क्या है। इतना हम आपको हिंट जरूर दे सकते हैं, भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं प्रधानमंत्री आपके, 2004 से लेकर 2014 यानी आप मान सकते हैं 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे, मतलब 10 साल तक रहे थे, है ना। अब आप बताइए उनका नाम क्या, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है, 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री आपके रह चुके हैं वो, इसके बाद मोदी जी आते हैं 14 नंबर बनते हैं आपके 2014 में। इसके पहले कौन थे, इसके पहले आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर इस बुक के जो लेखक पूछा गया था पुस्तक के कौन है, मनमोहन सिंह है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है, 61 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। चलिए बी प्रश्न हमने बहुत बार करा चुके हैं, है ना, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय, देखिए पहली बार ये आपका 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था, कब मनाया गया था, 29 जुलाई 2010 यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लो कभी प्रश्न पूछ ले कि पहली बार कब मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए बताना, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आप कहेंगे 62 नंबर, ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ना, कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ, 62 नंबर का आपका ए नंबर होगा। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है, 63 नंबर बताइए, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, और ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, यहाँ पर आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, 64 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका अपनाया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, ये आपका अपनाया गया था आपका 1997 में, 1997 यहाँ पर आपका जवाब, जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997, पूरा डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, गोवा का लोकगीत क्या है, गोवा के सीएम कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, देखते हैं कमेंट्स में सबसे पहले किसका आएगा, गोवा का लोकगीत बताइए 65 नंबर क्या होगा, और कह रहे हैं गोवा का लोकगीत जो है मांडो है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा की राजधानी पणजी है, है ना। अगला प्रश्न बताइए, 66 नंबर बताइए, 66 नंबर देखिए आपसे पूछा गया, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, प्योंगयांग जानते ही होंगे सभी लोग, ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, उत्तर कोरियाई वॉन है, आंसर जाएगा उत्तर कोरिया के साथ, है ना, उत्तर कोरिया के साथ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी गई है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 68 नंबर बताइए क्या होगा, यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है, सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है, जवाब आ गया है, कह रहे सिक्किम नहीं है, अच्छा सिक्किम नहीं है, तो कौन कौन से हैं पहले ये बताइए, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सिक्किम नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे ये तो आपका ये कहां पर है, और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, है ना, सारे ऑप्शन देख लीजिए। चलो अब बताइए, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे ये आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर में, इसमें भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी आपका बनाया गया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, 70 नंबर का जवाब दीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है 70 नंबर का, कह रहे हैं बी नंबर होगा, नागपुर में है, बिल्कुल सही है, नागपुर में आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, है ना, विकल्प नंबर बी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नंबर देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, और इनके लेखक है खुशवंत सिंह ने लिखा है,
आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं सबसे अधिक है तो आंसर जाएगा बांग्लादेश का है, यहाँ पर विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 16 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? और यह किया गया आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। डायमंड हार्बर व साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? 64 नंबर आपको बताना है, डायमंड हार्बर व साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। ऐतिहासिक भगनावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ पर स्थित है? और जब हम हम्पी की बात करते हैं, हम्पी कहाँ पर स्थित है बहुत बार बता चुके हैं, हम्पी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा हम्पी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक में ही है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को तो मनाते हैं ना, हाँ सही तो है। 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस, कौन सा दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा वीर बाल दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस आपका है ना, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर है। अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है इनमें से किसके द्वारा की जाती है? 67 नंबर बताइए, और ये जो नियुक्ति है राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है, आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। देख लीजिए सभी का सी नंबर आ रहा है। अगला बताइए, केरल के किस मंदिर का इसका अपना हाथी अभयारण्य भी है? केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभयारण्य है? 68 नंबर आपको बताना है। 68 का जवाब क्या होगा? 68 का बता रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे है ना, चलिए अलग से उसको करवा देंगे, DI पाई चार्ट वाला अलग से करवाएंगे। केरल के किस मंदिर का इसमें अपना हाथी अभयारण्य है? 68 नंबर, 68 का आपका होगा गुरुवायूर मंदिर, याद रखिएगा गुरुवायूर मंदिर। लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लातविया की राजधानी की जब हम बात करते हैं, लातविया देश की राजधानी है ना, ये आपकी है रीगा है। लातविया की राजधानी कौन सी है? रीगा है, रीगा। अगला प्रश्न बताइए, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागुरुम्बा बताइए, बागुरुम्बा कहाँ का है लोक नृत्य? तो ये दोस्तों याद रखिएगा आपका ये असम राज्य का है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी है? 61 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, विकल्प आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 62 नंबर बताइए, तो ये आपका जो विख्यात है आपका सी नंबर होगा, पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपका है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। चलिए 63 नंबर बताइए, लिखा हुआ है पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है ये नृत्य कौन से भारत किस राज्य में होता है, तो ये आपका होता है भारत के कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? इंडोनेशिया की राजधानी बताया तो नुसंतारा है, बोले तो है तीन बार बोल चुके हैं ना, नुसंतारा है इंडोनेशिया राजधानी क्या? नुसंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप में है, नुसंतारा। कई बार ऑप्शन में बोर्नियो द्वीप मिलेगा, कहीं नुसंतारा, दोनों है, मतलब जो आपको ऑप्शन मिल जाए है ना, नुसंतारा है, जकार्ता नहीं है, बोले तो है तीन बार बोल चुके हैं। बताइए कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है? 64 नंबर बताइए, 64 का आंसर होगा आपका श्री अरविंदो, कौन है? श्री अरविंदो। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बताइए यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश 65 नंबर का आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? 66 नंबर बताइए,
उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका कोनेरू हम्पी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 67 नंबर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, 67 का आंसर बताइए क्या होगा। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में कहीं पूछा गया था। इसको पता है क्या कहते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगर मान लो विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर मान लो लिख के आ गया तो कन्फ्यूज मत रहिएगा कि सर वेटलैंड क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अभी ये रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न बताइए, बाराबती किला किस शहर में स्थित है? बाराबती किला जो है किस शहर में स्थित है? 68 नंबर बताइए। तो ये आपका है कटक में। कहाँ पर है ये? कटक में होगा, 68 नंबर का डी नंबर। उड़ीसा के कटक शहर में आपका ये स्थित है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कहलाती है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कहलाती है, 69 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। और 69 नंबर का यहाँ पर देखिए, उत्तरी भारत का हमने बताया ना, उत्तरी में नागर है और द्रविड़ जो है आपकी दक्षिणी भारत की ये मंदिर शैली वास्तुकला है। दक्षिण की दक्षिण भारत कौन सी है? मंदिर वास्तुकला शैली आपकी द्रविड़ है और उत्तर भारत की नागर है, ये दोनों याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे नागर वाला आपको लगा देना है। और हमने बताया था कि इस शैली के मंदिरों का जो निर्माण है स्थापत्य नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में होते थे, याद रखिएगा। और जैसे आपके इस देखो नागर शैली के मंदिर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके, जैसे जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा में पड़ता है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में, ये सब आपके कौन से नागर शैली से संबंधित हैं आपके। चलिए 70 नंबर बताइए। पूछा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया था कब किया गया था, है ना? ये आप जानते हैं कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक या कोच को किसी भी खेल में उनके योगदान के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हुए शीर्ष पर पहुंचाने में उनकी भूमिका को मान्यता के देने के रूप में दिया जाता है, ये सभी को पता है। और आंसर आपका होगा ये पुरस्कार जो है भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा यहाँ पर, हाँ ना, यहाँ पर बी नंबर 1985 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। बताइए 61 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? 61 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिलियर्ड्स से है, 61 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? और आंसर हमारे पीछे आ चुका है, कह रहे हैं पंकज आडवाणी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं पता है तो हम किस लिए, हम तो आपको बताएंगे ही ना। प्रैक्टिस डेली आप करते रहिए और सभी लोग टाइम से आया करिए, बहुत लोग लेट आते हैं, काफ़ी लोग टाइम से नहीं आ पा रहे, तो टाइम से आ जाएगी क्लास, सभी को आपको पता है किस टाइम में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म आपका गलत ढंग से सुमेलित है? देखिए गलत ढंग से कौन सुमेलित है आपको बताना है, तो आप कहेंगे घूमर जो है ये बिहार कब से आ गया? घूमर तो अभी तक राजस्थान का था, ये बिहार कब से आ गया? यही गलत है, ये राजस्थान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राजस्थान। यही वाला आपका क्या है, आपका आपका असुमेलित है, बाकी सब आपके सुमेलित है ना। देख लीजिए सभी गा रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आर्मेनिया की राजधानी क्या? देखिए बहुत सारे देश हैं आपके, किसी न किसी प्रश्न हर एक मॉडल पेपर में कोई ना कोई देश की राजधानी जरूर पूछ लेता है, तो आप एक बार विदेश जो देश है आपके कई सारे कंट्री हैं उनकी राजधानी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आना है पक्का। आर्मेनिया की राजधानी क्या है बताइए, तो इसकी राजधानी आपकी येरवान है। कौन सी है? येरवान, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए। 64 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है और बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन, है ना? बिल्कुल सही है, जिनका भी सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? 65 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, आमिर खुसरो का जो संबंध है किसे? सितार से। किसे? सितार से, है ना? सितार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इन्हें हम तोता आहिंद के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, तोता आहिंद के नाम से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आमिर खुसरो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, 66 नंबर, 66 नंबर का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कैलाश सांखला, है ना? कैलाश सांखला कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के निदेशक बने थे आपके। अगला प्रश्न बताइए,
गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला जो है किस राज्य में स्थित है? 67 नंबर बताइए। तो ये आपका है तेलंगाना राज्य में। कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में आपका स्थित है गोलकुंडा किला। अगला प्रश्न बताइए, कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? 68 नंबर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलंबिया, है ना, कोलंबिया। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कोलंबिया में स्थित है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या? देखो 2021 का पूछ लिया गया है, 2021 की थीम क्या थी आपको बताना है। तो 2021 की थीम थी आपके री स्टोर आवर अर्थ। क्या थी? री स्टोर आवर अर्थ थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। बिठूर, है ना, बिठूर कहाँ पे है आपका? बिठूर जो आपका है उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, कानपुर में पड़ता है, ठीक है ना, कानपुर में। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको लगा देना है यहाँ पर बी नंबर, कानपुर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 61 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है? 61 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 19 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 19 जनवरी को आपका ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? एक से अधिक सीटें बताइए किस राज्य की लोकसभा में है? 62 नंबर बताइए। तो 62 का आपका होगा आंसर मेघालय। मेघालय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मेघालय में आपकी 2 सीटें आवंटित हैं। सिक्किम की बात करते हैं 1 सीट है, मिजोरम की बात करते हैं 1 सीट है, नागालैंड की बात करते हैं 1 सीट है, मेघालय कितनी है? 2 हैं। अगला प्रश्न बताइए, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 63 नंबर, ये आपका असम में मनाया जाता है, आपका डी नंबर सही होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम आपको बताना है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है और इनके जो नाम है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे आप जिन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, और ये राष्ट्रपति आपके थे कौन से नंबर के थे, ये आपको बताना है। ये भारत के राष्ट्रपति जो थे कौन से नंबर के थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से नंबर के थे, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 65 नंबर बताइए। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य ये जो आपका है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 66 नंबर आपको बताना है, जैन विधा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैन विधा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में, आपकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, वहीं पर आपका है जैन विधा शोध संस्थान। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा? पहले गैट हुआ करता था ना, अब उसका ये नाम बदल गया है, अब इस समय वर्तमान में जो नाम है ना वो आपका WTO है, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जब इसका उत्तराधिकारी की जब हम बात करेंगे संगठन, तो इसके बाद यही तो आया है, तो कुल मिला के इसका नाम बदल गया था। आंसर क्या होगा? WTO आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन होगा यहाँ पर चिन लोन है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप सब लोग जानते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस में मनाया जाता है 29 अगस्त को हर साल। थाईलैंड देश की मुद्रा क्या है? थाईलैंड देश की जो मुद्रा है उसका नाम है आपका क्या है बताइए, हाँ बिल्कुल सही है बहेत, है ना, बहेत वहाँ की क्या, जापान की एन है, जापान नहीं होगा, एन नहीं होगा, थाईलैंड की बहेत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेशेल्स की राजधानी क्या है? 61 नंबर देखिए आपको बताना है, सेशेल्स की राजधानी क्या है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है विक्टोरिया, बिल्कुल सही है आंसर जाएगा सी के साथ, इसकी मुद्रा चलती है सेशेल्स, रुपया चलती है। अच्छा, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी आपकी कौन सी है? कंपाला है। रवांडा की राजधानी कौन सी है? रवांडा, किगाली है। और लुआंडा किसकी राजधानी है? लुआंडा है अंगोला की, ये किसकी राजधानी है? अंगोला की है, ये देश है याद रखिएगा, अंगोला,
रवांडा, युगांडा, है ना, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 62 नंबर बताइए। डांस फार्म और उसके राज्य की सही जोड़ी कुछ नहीं है ना, 62 नंबर बताना है। पड़ाइनी केरल, यही वाला आपका सही है ना, यही वाला आपका सही है, बाकी सब आपके गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जोड़ियां गलत हैं, यही वाला आपका सही है। चलिए 63 नंबर बताइए क्या होगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यहां पर आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 63 नंबर, और 63 का जवाब आ गया है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 63 नंबर का डी आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा सेवाओं के लिए, ये तो रिपीटेड प्रश्न है ना, बताइए कौन सा दिया जाता है। और देखिए बोरलॉग पुरस्कार तो आपके कृषि की पैदावार के लिए होता है, ठीक है ना, बोरलॉग पुरस्कार। यहाँ पर आपका होगा 64 नंबर का डी नंबर होगा, धनवंतरी पुरस्कार, कौन सा है, धनवंतरी पुरस्कार है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में है ना, और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार है, बचा कौन सा, धनवंतरी पुरस्कार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है और बता रहे मीरा कुमार, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। 2009 से लेकर 2014 तक रही थी आपकी ये मीरा कुमार, 2009 से 2014 तक, यहाँ लिख दे रहे हैं 2009 से लेकर 2014 तक। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, 8 मिशनों में शामिल नहीं है, आपको बताना है 66 का जवाब क्या होगा। तो 66 में अगर हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन ये सब है, लेकिन जो नाभिकीय शक्ति मिशन दिया गया है ये आपका शामिल नहीं है, 66 का सी होगा। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है, और हमारे भी जवाब आ गया है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल बताया जा रहा है पाटो, है ना, पाटो है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अर्जेंटीना की राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, सप्तरथ मंदिर जो आपका है ये महाबलीपुरम में स्थित है, महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है, महाबलीपुरम आपका पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। कैलाश मंदिर सभी लोगों को पता है कहाँ है, कैलाश मंदिर ये कांचीपुरम में है, कैलाश मंदिर की जब हम बात करते हैं कांचीपुरम में है कैलाश मंदिर, है ना, कैलाश मंदिर कांचीपुरम है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। और महाबलीपुरम इस प्रश्न का आंसर है सप्तरथ मंदिर। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है, यहाँ पर बताइए केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है, 69 नंबर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 69 नंबर का भी, धनबाद, है ना, धनबाद यहाँ पे बिल्कुल सही है। धनबाद कहाँ पे पड़ता है, धनबाद कहाँ पे पड़ता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, धनबाद है कहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है, कौन सा है, राजस्थान है, हाँ राजस्थान है, उसके बाद आपका आता है, हाँ राजस्थान है, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 61 नंबर पूछा गया, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स काज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 61 नंबर आपको बताना है, और इस पुस्तक के लेखक है उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, विकल्प जाएगा आपका सी नंबर के साथ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 62 नंबर आपको बताना है, इसका जो मुख्यालय है आपका, हाँ यहाँ पर बताइए जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था, 63 का जवाब क्या होगा, तो किया गया था आपका हिम तेंदुआ, ऑप्शन आपका ए सही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे आपको बताना है, तो उनका नाम था आपका मोरारजी देसाई, याद रखिएगा मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री भी बने थे, 1977 में बने थे,
याद रखिएगा 1977 में। इन्हें 1991 में भारत रत्न मिला है पुरस्कार, भारत रत्न। और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार जानते हैं क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा, निशान आ पाकिस्तान है, निशान आ पाकिस्तान है, और 1990 में दिया गया था। निशान आ पाकिस्तान 1990 में मिला, और भारत को जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था वो भारत रत्न है, 1991 में मिला गया। एक साल का अंतर था, कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों पुरस्कार आपके दिए गए। अगला प्रश्न बताइए, त्रिपुरा का स्थापना दिवस आपका कब मनाया जाता है? त्रिपुरा अगर राजधानी जानते होंगे, अगर तल्ला है त्रिपुरा की, और ये जो आपकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, देखिए 21 जनवरी 1971 को गठन हुआ था इसका राज्य का, तो कन्फर्म है ना 21 जनवरी को मनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और कह रहे गुरुग्राम में, गुरुग्राम कहाँ पे पड़ता है? आप कहेंगे हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा ऑप्शन नंबर पहले लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, छाछठ का क्या था? पहला था, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो इतनी बार कराया, इतनी बार कराया कि बता नहीं सकते। बताइए इसका प्रश्न, सभी लोग कमेंट करिए 67 नंबर का जवाब क्या होगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? और ये आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान देश है, उसकी मुद्रा बताना है। यूनान, यूनान की मुद्रा कौन सी है? याद रखिएगा यूरो है। कौन सी है? यूरो। अगला प्रश्न है, कुमार कीवंज नौका दौड़ रिक्स स्थान डेड डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेमनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? ओणम उत्सव या दीपावली या नवरोज या लोहड़ी? और आंसर बताया जा रहा है ओणम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ओणम। अच्छा बताइए ओणम त्यौहार जानते हैं, केरल का है ना, केरल का है आपका ओणम। अगला प्रश्न आपके सामने है 70 नंबर, लिखा हुआ है कारज एंड कन्वेंशन एंड एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? करज एंड कन्वेंशन जो है एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? और ये जो आत्मकथा की जब हम बात कर रहे होते हैं, इसकी आत्मकथा है, 70 नंबर की बात हो रही है। वीके सिंह, हाँ इनका पूरा नाम जनरल विजय कुमार सिंह है ना, वीके सिंह भारतीय सेना के 24वें जनरल बने थे आपके। आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर डी नंबर होगा।